फरीदाबाद में महंगाई को लेकर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। फरीदाबाद से समाज सेवी अभिषेक गोस्वामी ने नगर निगम चौक से बीके चौक तक पैदल अपनी गाड़ी खींची। पूछने पर बताया गया कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है और जब वो पेट्रोल भराने गए तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर था। इतना उनकी जेब देने में असमर्थ थी, जिसके कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा। कोरोना में नौकरी से आम जनता हाथ धो बैठी है, ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम आदमी मरता क्या ना करता। बेचारा कोई और साधन ना होने के कारण अब शायद गाड़ियों को इसी तरह पैदल खींचना होगा, जिसके कारण उन्हें भी भर गर्मी और चिलचिलाती धूप में अपनी गाड़ी पैदल खींचनी पड़ी। मेरी गाड़ी में तेल खत्म हो गया सर, जब तेल के लिए डलवाने के लिए गया तो 100 रुपये का पेट्रोल है सर, 100 रुपये जेब में नहीं है सर डलवाने के लिए। नौकरी नहीं है उसके, नौकरी नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, ठीक है, बेरोजगार घूम रही है जनता, ठीक है, सरसों का तेल खाने के लिए भी लोगों को मतलब पूरा हाल हो चुका है। 225 रुपये कल का रेट है सर सरसों का तेल, क्या करेगा आदमी, कहाँ जाए। सरकार को सोचना चाहिए, इतना लोगों ने प्रदर्शन करा, इतने विपक्ष ने प्रदर्शन करा, ऐसा क्यों है कि सरकार की आंखें नहीं खुलती, तो बार बार जनता को ही दोष क्यों दिया जाता है जब भी प्रदर्शन करते हैं। तो हम लोगों ने सरकार का समर्थन दिया, इतने बहुमत से हम लोगों ने जिताया, पूरे फरीदाबाद के समाज सेवियों ने बीजेपी को सपोर्ट करके, ऐसी क्या गलत से हमसे गलती हो गई कि मतलब इतनी महंगाई के रेट बढ़ा दिए गए, इतना बुरा हाल कर दिया गया लोगों को, खाने के लिए रोटी के लाले हो गए, उन्हें तो लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल को डीजल को जी एस टी के दायरे में लाना चाहिए। जो दारू खुलेआम जो बिकी है आपकी कोरोना काल में, आप सबने देखा, मीडिया चैनल से देखा, सबने देखा, आम जनता ने, क्यों नहीं लाते इसको जी एस टी के दायरे में।